इवेंट जुलाई को आ रही है, थोड़ा लेट पड़ा है। सुपरस्टार्स कॉमेडी किंग राजपाल जी, संजय जी और अगेन एक और बहुत टैलेंटेड एक्टर रितेश का बहुत इंटरेस्टिंग छिछोरा बने इस मूवी के अंदर। आपने अभी तक हितेन को बहुत ही एक अलग तरह के रोल में देखा है, इस फिल्म में आपको जो एक्शन है वो दिखाई वो देखेंगे। और साथ में नेहा है, बबीता है, बाकी म्यूजिक जो आपने सुना वो म्यूजिक डायरेक्टर है विक्रम खजूरिया, विक्रम का है, बहुत अच्छा म्यूजिक है। पलक मिशन, मोहम्मद इरफान, लाल चंदुआ सब हमारे प्लेबैक सिंगर्स हैं। और भरत जी हमारे मूवी के बैकबोन हैं, जिनके बिना मूवी बनती नहीं है। संजना अगेन एक टैलेंटेड एक्टर है हमारी फिल्म के अंदर, एक स्पेशल अपीयरेंस है संजना का। राजा का सॉन्ग है हमारी मूवी, बहुत अच्छा बावड़ी कुछ। देवशी के देवशी हमारी लिरिसिस्ट है, जो गाने आपने सुने वो गाने लिखे हैं देवशी ने। मैं राजपाल जी को नमस्ते। बाकी प्रोमो तो देख लिया, प्रोमो के साथ में बैकग्राउंड भाई ने बता दिया हमारे डायरेक्टर साहब ने, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। अच्छी फिल्म की अच्छी कास्ट क्रू के साथ काम करने का मन मिलेगा। और एक चीज है कि अभी तक हितेन को बहुत टेलीविजन में बहुत पिछले 10 साल से सबने एंजॉय किया, लेकिन ये फिल्म में हितेन के साथ में हम लोगों की जो एक ट्यूनिंग बनी पूरे डाबा से लेके दिल्ली और हर जगह, तो मैं ये कहूँगा कि हितेन के साथ अभी 2-4 फिल्में और करेंगे और गॉड ब्लेस हिम। और हम तो ये कहेंगे कि टीवी से अब वेलकम टू आवर फिल्म इंडस्ट्री। और बहुत अच्छा लगा सबके साथ, सबने अपने अपने तरीके, और सचिन का जैसे पराठे वाली गली में, और सचिन ने जिस तरीके से एजुकेशन पाई है तो एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल और बहुत लेबोरियस और बहुत ही डेडिकेटेड सचिन का थॉट और प्रोसेस है, और इनके इंटरप्रिटेशन को बहुत फॉलो करने मजा आया। और कोशिश करेंगे कि ये यहाँ से शुरुआत है, कुछ अच्छे रिजल्ट आपके सामने पेश करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजपाल भाई, थैंक यू एवरीबॉडी, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं और आप सब, थैंक यू बारिश के बावजूद आए, थैंक यू वेरी मच। बहुत सही कहा इन्होंने कि टीवी से एक कोशिश है, पहले भी फिल्म्स की हैं लेकिन ये एक अलग है। जब हम मिले सचिन जी से पहली मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि हितेन एक ऐसा रोल है जिसमें तुम्हारी इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। मैंने ऐसे क्या करवाने वाले हैं आपने, प्लीज खुल के बताइए। फिर उन्होंने पूरी स्टोरी बताई और आउट एंड आउट टोटली हंसी मजाक कॉमेडी, टोटली कॉमेडी। फिर बाद में बताया कि राजपाल जी हैं, सब लोग हैं, तो मैंने बोला ये तो बहुत मजा आएगा करने में। वर्कशॉप्स हुए और उस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने बताया था उस हिसाब से पूरी स्टोरी बनी है और लोगों के सामने है। एक अच्छी फिल्म, शॉर्ट फिल्म, रॉमली मतलब रॉम कॉम, तो लोगों को बहुत पसंद आएगी पूरी उम्मीद है। हमने बहुत मेहनत की है, पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आएगी। तो थैंक यू सो मच राजपाल भाई, थैंक यू, मजा आया इनके साथ काम करके, इनफैक्ट सब लोगों के साथ काम करके। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, पहले दिन से ही इतना अच्छा तालमेल बैठ गया हमारा हो गया कि पता ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हमारी फर्स्ट फिल्म है। एंड एज ही सेड, नॉट द फर्स्ट, डेफिनेटली और भी फिल्में आने बाकी है। तो थैंक यू। आगे और इसमें नारी शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है, तो नेहा की ये दूसरी फिल्म पराठे वाली गली से, और बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के एक्ट्रेस जो हैं वो हमारे यूनिट में काम कर रहे हैं। संजना जिस तरीके से, अब उस लोकेशन पर सारी चैलेंजेस भी थी, लेकिन जिस तरीके से संजना ने वो गाने में, और जिस तरीके से वो थोड़ी सी कठिनता भरी सिचुएशन थी उसमें पूरा गाना बगैर किसी आलस के जिस तरीके से कंप्लीट किया, आई थिंक गॉड ब्लेस हर। और इनके डेडिकेशन और पैशन की मेहनत के हम सब लोग कदरदान हो। मैं
मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि एक कॉमेडी फिल्म है और मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके, राजपाल जी के साथ काम करके. आपको हमारी खट्टी मीठी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी स्क्रीन पे, और फुल ऑन धमाल मूवी है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है. तो आप जरूर जाइए और देखिए थोड़ा थोड़ा इश्क और टेंथ हो चला है. भरत जी बोलने को चले, बोल दिया मैंने, आप क्या? भरत जी कुछ नहीं बोलना चाहते. This is my first film. I'm so happy. I'm so happy to work with Sachin ji and Rajpal Yadav sir and then Hiten Hiljwani, because in shooting he spot and Rajpal Yadav sir ne mujhe kaafi support kiya. I was so excited to work with him. I'm very big fan of him. Thoda sa dar bhi lag raha tha, but kaafi itni down to earth and kaafi support kiya. I was so happy. I'm so lucky to work with him. And गाना बहुत अच्छा है, सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर ममिता शर्मा. एंड हमारा डायरेक्टर जो है बहुत टैलेंटेड है, ये गाने में बहुत सपोर्ट किया मुझे, स्पेशली अकेला मुझे मतलब रिहर्सल में समझाया गाना ऐसा है, डू लाइक दिस. आई वाज लिटिल स्कैर्ड बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, आई एम फ्रॉम चेन्नई. So I was a little scared, but काफी सबने बहुत support किया. I'm so happy. Please support us. Theater में जाके film देखिए, support करिए. Thank you so much. Hello everybody. Actually मैं इस industry से नहीं हूँ, लेकिन देखता हूँ film बनाने में कितना struggle, कितनी मेहनत, कितनी dedication है. हर आदमी ने इतनी मेहनत करी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत करके कहीं कुछ बड़ा करा जा सकता है. लेकिन अब हम बिजनेस करते हैं, लेकिन देख के लगता है, इनको एक्टर को देख के लगता है कि एक्टर की लाइफ बहुत स्ट्रगल की है, बहुत डेडिकेशन की है और बहुत मेहनत की है. आप सब लोगों का धन्यवाद. सचिन जी बोलिए. बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है म्यूजिक का, तो विक्रम यहाँ पर है, तो विक्रम गुड इवनिंग. ये म्यूजिकल कॉमेडी ही है, म्यूजिक इसमें मेन एक है, चार पांच गाने हैं, पांच गाने सॉरी ममता शर्मा ने गाया है, लाभ जलिया ने गाना गाया है, और मोहम्मद इरफान ने भरत मुच्छा ने गाया है. तो गाने अच्छे हैं, फ्रेश हैं, देवशी जी ने लिखे हैं बहुत ही सुंदर, और राजा साहू ने गाया है, तो अच्छे गाने हैं. चाहूँगा कि राजा परफॉर्म करें ये गाना. बड़े अच्छी बात बोली आपने कि मैं कहना भूल गया, इस एक सच में एक म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है. सर मुझे सबको प्रणाम. मेरा हमेशा मुझे देखा होगा कॉमेडी सर्कस में हंसाते हुए. वैसे आई एम अ विनर ऑफ कॉमेडी सर्कस 2020 विद निगार खान गोर्गन सिस्टर. तो आज पहली बार मेरा, जैसे इनकी पहली फिल्म है और मेरी भी पहली फिल्म है, मैंने जो बॉलीवुड फिल्म में गाना गाया, तो सो आई होप यहाँ से क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, है ना. तो आई विल ट्राई की कोशिश करें आप सबको मीका का फ्लेवर नजर आए, क्योंकि लगता कि वाकई मीका जा रहा है. लेकिन हमें लग रहा था कि दिन में कई बार पिटते पिटते और कहां से अभी पिटा. अच्छा चलो सब लोग पैकअप हो गया, संदीप का तो नहीं है, क्योंकि भीड़ में ज्यादातर पिटने वाले काम बहुत, हर समय ये जो खेलता था मैं ज्यादा तो सब दिया तो. Hi, very good evening to all. It was very nice experience working with Sachin ji and respected Hiten ji and Rajpal ji. And this is my first film. I'm coming on screen. This is my very small role in this film, but I'm very excited to
working this kind of team, and a director is very creative. You will not believe, guys, sometimes a scene is not written before, but the Sachin ji, I appreciate the kind of mind he got it. He created a scene right now. You know, he didn't know about the scene, but he just creates something, and that's amazing. And Rajpal ji is a very good proof of these all things. So, the last I would say, during the film, many kind of challenges came in front of the team, which is we survived very smoothly. And for me, I was shooting in my hometown, that was Itawa. So you working anywhere in the world, that is totally different thing. When you working in your hometown, that's very proudful for you. So for me, this is a very good experience, and I hope, I'm looking forward. Please, waiting for 10th of July, you just come and see, come with the family and friends and appreciate our work, what we done, our positive and negative, let us know. Thank you very much. और उसमें
हम दोनों ऐसे मिले कि हमारी कम्युनिकेशन इतनी तगड़ी हो गई कि अभी ये फिल्म एक्चुअली सच में शुरुआत है। अभी दो चार सब्जेक्ट हम लोगों के बाहर लोकेशन पे ही तैयार हो चुके हैं, जिनको साल दो साल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अगर लुप नहीं उठाया होता तो आज आप लोगों के साथ में यहाँ पे बैठने का सौभाग्य नहीं मिलता, क्योंकि अगर लुप तो था, इश्क तो था वर्क से, लेकिन लुत्फ जो है आप घुटनों पर पानी क्रॉस करके जब जाते हो पढ़ाई करने के लिए और आपको चार महीने बरसात में कोई भी ऐसा साधन ना मिले जिससे आपके कपड़े बचेंगे, और उसमें भी आपको क्या काम हो, आप पढ़ाई का इश्क है, कुछ काम करने का इश्क है, इश्क कब आएगा पता नहीं, पहले तो ये काम करने का लुत्फ उठा लो। तो वो लुत्फ जो है लुत्फ लुत्फ इश्क बदलता चला गया, और आज सच में कोई भी काम मिले तो अभी मृदुल जी मिलते हैं तो ये नहीं सोचता है कि आप या पुन्नू जी मिले कि इश्क हम लोग क्या करते हैं, लुत्फ तो पहले आमने सामने खड़े एक दूसरे के हक करने से लेते हैं, वही लुत्फ जो है इश्क में परिवर्तित हो जाता है। मीका जो है वो चांटे मारने के लिए भी जाने जाते हैं, मुझे पहले बोला गया तो मेरी आवाज में गा लेता है तो बोल लेता है, वैसे मैंने चीमा अवार्ड लास्ट टाइम उनके साथ ही कह रहा था तो मैंने उनकी कहता मैं उन्हीं की शक्ल बना के मैंने उनकी आवाज में परफॉर्म किया, सब इंडस्ट्री के सामने म्यूजिकल इंडस्ट्री सब बैठी हुई थी। तो तलेर मेदी साहब का भी एक दिन फोन आया कि यार दो दिन तो मुझे सोचता रहा कि मिक्का था या क्या था, मिक्का या क्या था। तो मिक्का जी भाई खुद कहते हैं यार एक काम किया, अगर मैं इतने गाने गाता हूँ मैं कभी बार बार होता हूँ, अभी भी लंदन में वैनकूवर में घूम रहे हैं, लेकिन मुझे कई बार ऐसा बोल देते हैं अरे यार और एक काम करे यार अजय तो यार मेरे गाने गा दिए कर यार। तो मैं क्या ठीक है और तू पैसे मुझे दे दिएगा, दस लाख बोला हाँ ठीक है सर आपको पैसे मैं दे दिएगा लेकिन नाम मैं अपना दूंगा। सो इस बार मेरा नाम आया है ऐसे, इस साल वैसे मेरे पांच छह गाने आ रहे हैं बॉलीवुड में बहुत सारे, बटाली 609 में भी आ रहा है बहुत सारे बड़े, ये मेरा बॉलीवुड का पहला सॉन्ग है जो मैंने अलग से एक्चुअली मैं बड़ा तगड़ा फैन हूं मिक्का का, तो वो चीजें आ जाती हैं एटीट्यूड पे आती है तो उंगली अपने आप बनती जाती है, ऑल ऑफ दिस सॉन्ग मिक्का सिंग ऑल ओवर यू वांट टू बी ऑल जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. फिल्म में बहुत सीनियर एक्टर्स हैं जैसे राजपाल यादव जी, हितेन बेजवानी, फिर संजय मिश्रा जी, सुष्मिता मुखर्जी. और कॉमेडी फिल्म है, बहुत ही लाइट कॉमेडी है. और मेरी और राजपाल जी की जो नटखट सी केमिस्ट्री है, चटपटापन आपको देखने को मिलेगा फिल्म के अंदर. कॉमेडी करना हाँ इतना ईजी नहीं होता, बल्कि सीरियस कैरेक्टर्स करना ज़्यादा ईजी होता है. पर एक्चुअली मेरे लिए कॉमेडी करना बहुत नेचुरली निकलता है, क्योंकि मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ घर में भी ऐसे कुछ शरारत करती रहती थी, कॉमेडी करती रहती थी. पर हाँ, जैसे राजपाल यादव जी हैं, उनके साथ टाइमिंग मैच करना इतना ईजी नहीं है. पर अब हम दोनों की जो केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी स्क्रीन पे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा. इस फिल्म में कितनी एंटरटेनिंग है, लाइक राजपाल यादव की एंटरटेनिंग? बहुत बहुत एंटरटेनिंग मूवी है. आप जाके देखेंगे तो आपको हर मोमेंट पे हंसी आएगी. कहीं भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कहीं सीरियस नहीं हो रही है मूवी. तो बहुत ही लाइट फिल्म है जो कि फैमिली के साथ लोग देखना पसंद करते हैं. सो राजपाल यादव, हितेन बेजवानी, संजय मिश्रा से अपने आप में एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर, उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एक्चुअली मेरी फर्स्ट मूवी सचिन गुप्ता जी के साथ थी, पराठे वाली गली, जो कि लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी. वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, मेरा डेब्यू था एज अ लीड. ये मेरी सेकंड फिल्म है, पर सेकंड फिल्म में इतने सारे सीनियर एक्टर्स थे, तो हाँ मैं थोड़ी बहुत नर्वस थी. पर हमने एक बहुत ही अच्छी टीम की तरह काम किया. सब लोग इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, तो बहुत मज़ा आया मुझे काम करने में. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चलो. हाँ भाई, रोल कैसा रोल? ये नहीं कहेंगे तब तक कैसा रोल भाई. ओके, बोलिए. थोड़ा लो, थोड़ा कैसा रहा एक्सपीरियंस? हम कह सकते हैं कि एज एन डेब्यू मूवी होगी आपकी, करेक्ट? हालांकि आपने और भी पहले काम किया है. मैंने मूवी की है या मेन लीड में? मेन लीड में आप बोल सकते हैं कि मेन लीड में आ रहा हूँ. और राजपाल जी के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छे. संजय जी, सुष्मिता जी, सारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, और बहुत सीखने को मिला, क्योंकि ये सब कॉमेडी में माहिर हैं. ये लोग कर चुके हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं. मैंने पहली बार कॉमेडी की और मैं पता चला है कि हंसाना आसान नहीं है लोगों को, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो वो हो जाता है. तो वो होना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं ना, इसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है, तो लोगों को हंसा सकते हैं. बहुत सारे पंचेज ऐसे हैं जो हमने ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज किए हैं और ऑन द स्पॉट बोले हैं, तो आई एम श्योर लोगों को वो भी पता चल जाएगा कि कौन से लाइंस मेरे हैं और कौन सी मस्ती मैंने की है. मस्ती बहुत की, बहुत प्यार से बनाई, इसके प्रॉपर वर्कशॉप्स हुए, प्रॉपर रिहर्सल्स हुई, और बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया. प्यार से फिल्म बन गई, पता ही नहीं चला. संजय मिश्रा, राजपाल जी हैं, सभी बड़े टैलेंटेड एक्टर्स हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं. बड़ा मज़ा आया, बहुत सीखने मिला इन लोगों से. मैंने यही कहा कि मैं पहली बार मैं मिला राजपाल जी से, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं. फर्स्ट सीन जो हमने किया उसी वक्त राजपाल जी ने बोल दिया. हितेन भी तो बहुत ऐसा लग रहा है कि हम लोग चार पांच पिक्चर कर चुके हैं एक साथ में, इतनी अच्छी केमिस्ट्री आ गई. तो मैंने बोला यही चाहिए, घुंगरू झुंगरू की केमिस्ट्री यही चाहिए. झुंगरू दोस्त है घुंगरू का, तो कैसे पता चलेगा? तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा. संजय जी के साथ भी बहुत कमाल के सीन्स है, बहुत कमाल के सीन्स है, बहुत, मतलब वो करते करते हमें हंसी आती थी, तो आई एम श्योर लोगों को भी बहुत हंसी आएगी. हाँ देखिए क्या है, हाँ बॉलीवुड की दुनिया में गए हैं, बड़े बैनर के पिक्चर में काम किया है, बिग हिट और बड़े बैनर की फिल्में कर रहे हैं, करेक्ट? देखिए ऐसा है ना कि दो चीज़ें होती हैं, या तो आप वेट करो आपको बड़े बैनर की फिल्म मिले, और वेट कब तक करोगे आप, या आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले. मगर बैनर हो सकता है कि वो बीस बीस हो, यू नो. हर बैनर तो कोशिश कर रहा है बड़े होने की, शुरुआत तो कहीं से होगी. आज इनकी ये बैनर की फिल्म अच्छी गई, लोगों को पसंद आई, अच्छी निकल गई, रिकवरी भी हो गई, दूसरी फिल्म लाइंड अप हो जाएगी, तो बैनर ऐसे ही खड़ा होगा. तो ये बैनर भी